नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं CKA न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। शाहबुद्दीनपुर से नगर कोतवाली पुलिस ने 3 युवकों को एक नाबालिग युवती के साथ में दबोचा। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर एक युवक ने युवती को बुलाया था मिलने। ग्रामीणों ने दबोचकर पुलिस को सौंपा। युवती ने सभी पर लगाए अश्लीलता के आरोप। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शाहबुद्दीनपुर का है, जहां एक युवक ने इंस्टाग्राम पर युवती को बहला फुसलाकर मिलने के लिए गांव में ही एक कमरे पर बुलाया था। कमरे पर युवक के दो अन्य दोस्त पहले से ही मौजूद थे। लड़की जब युवक से मिलने पहुंची तो कमरे पर मौजूद युवक व उसके दोस्तों ने युवती के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। शोर शराबा सुनकर आसपास के स्थानीय निवासी भी मौके पर पहुँच गए, जहाँ तीनों युवकों को ग्रामीणों ने दबोच कर पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों पर नाबालिग युवती द्वारा अश्लीलता एवं अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला तो अलग अलग समुदाय से जुड़ा है, जिसको लेकर हिंदू संगठन भी नगर कोतवाली पहुंच गए हैं और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। इस दौरान मामले की जानकारी देते हुए COCT कुलदीप कुमार ने बताया कि एक प्रकरण सामने आया, जिसमें एक 16 वर्षीय छात्रा है जिसके साथ एक लड़का है अयान पुत्र मुस्तफ़ा, जिसने इंस्टाग्राम पर उससे दोस्ती की। उसके बाद उसे किसी स्थान पर मिलने के लिए बुलाया, जहाँ उसके दो अन्य दोस्त पहले से मौजूद थे। इन तीनों ने उसके साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया है। इस दौरान शहर कोतवाली पुलिस ने अयान पुत्र मुस्तफ़ा, कैफ पुत्र जमील, अमन पुत्र अनीस को मौके वारदात से गिरफ्तार किया है। COCT कुलदीप कुमार सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। चौगामा की आवाज़ के लिए मुजफ्फरनगर से संवाददाता काशिफ जमाल की रिपोर्ट। दोस्तों, इसी तरह की खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक प्रकरण आज जानकारी में आया था। एक 16 वर्षीय छात्रा है जिसके साथ एक लड़का है अयान, उसने इंस्टाग्राम पर उसके साथ दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद उसको कहीं एक स्थान पर बुलाया और वहाँ उसके दो अन्य साथी और भी, वो जो कैफ और अमन जो वहाँ पर मौजूद थे, इन तीनों लोगों ने उसके साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। इसी उसमें जब सूचना वहाँ से मिली तो पुलिस ने तीनों को अरेस्ट किया है और जो बच्ची है उसके परिजनों को बुलाकर उनकी तरफ से जो भी तहरीर दी जा रही है उस पर हम लोग अभियोग पंजीकृत करके भेजेंगे। स्कूल की ड्रेस में है बच्ची, कौन से स्कूल से थी, कितनी कौन सी कक्षा में पढ़ती है? ये 11th क्लास की छात्रा है और ये सर्कुलर रोड पे एक विद्यालय है, वहाँ पर ये पढ़ती है, उसी के छात्रा है और स्कूल के लिए वहाँ से निकली। इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इसमें जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और उसी में हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जो आरोपी है